मिला के लिखो एस एच आई वी शिव आर ए टी आर आई रात्रि तोड़ के बनाते हैं। हाँ शिवरात्रि एक ही स्पेलिंग है एस कैपिटल की। ऑन शिवरात्रि चढ़ा चुके लिखा है, चढ़ाए क्या लिखा है पहले चढ़ाए ए पे खत्म है। कौन सा हो गया आई ए, कौन सा टेंस है सिंपल, कौन सा है ए, ए पे खत्म है एक एक तो मैं भी पढ़ पढ़ के ऐसी मल्टी स्टोरी सुन लो। अरे सारा सुनाना है मैम, टेस्ट लेंगी, सुनाओ मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट। प्रेजेंट इन अ They have flats, they have lots of flats present in a single building में बहुत सारे flat, multi-story apartment, एक single building में। building को story का है, S T O R E Y होता है, वो वाली story नहीं है। offer डबल एफ ई आर याद रहता है ना, ऑफर किया उसने मुझे ऑन शिवरात्रि ऑफर फ्लावर किसने चढ़ाया, लोगों ने, तो लोग तो आए नहीं इसमें, ऑफर आ गया सीधे ऑन शिवरात्रि पीपल ऑफर। ऑफर की कौन सी फॉर्म आएगी, ऑफर ऑफर ऑफर्ड, हाँ ऑफर्ड ऑफर्ड ओ डबल एफ ई आर ई डी ऑन शिवरात्रि पीपल ऑफर्ड। अब थोड़े से तो आगे बढ़ना है ना बड़ा, ऑन शिवरात्रि पीपल ऑफर्ड डंडी से ही सीधे होते हो तुम, कहाँ है मेरा डंडा, डंडा देख के F-R-U-I-T-S फ्रूट्स की स्पेलिंग भी नहीं आती। कौन सी क्लास में पढ़ रही है, नर्सरी में, नर्सरी में सिखाते हैं ना फ्रूट्स की, केजी से एकदम पक्का याद होती है। तुम बताओ फ्रूट्स की F-R-U-I-T-S चलो आगे बता दिया भाई, पूरे में गड़बड़ हो गई है। तुमसे नहीं पूछेंगे, तुमसे सब डरते हैं। करो भाई आगे करो, तुम अपना पढ़ लो उतना काफी है, तुमसे बाद में पूछेंगे। अभी एग्जाम हो जाए ना जब, फिर तुमसे ही पूछा करेंगे। ऑन शिवरात्रि पीपल ऑफर फ्लावर्स ऑफर्ड आर ई डी, अभी बताते हैं ऑफर्ड ई डी लगेगा ना, आर के बाद डी आएगा। फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एफ फ्रूट्स फुल स्टॉप कर दो, ऑफर आर के बाद ई भी लगा दो ऑफर्ड। लिखती सही है भैया, मुझे यहाँ से भी दिख गया देखो इतनी दूर से। मैं काम आई डू लेस वर्क, ठीक है। मेरा छोटा भाई घर चला गया, मेरा चुन्नू भाई, माय यंगर ब्रदर हैज गोन गो हाउस, क्या लिखा है, माय यंगर ब्रदर हैज गोन गो हाउस, क्या है गोन गो हाउस, क्या होता है गोन हाउस। मैंने बोला ना टू नहीं आएगा इसमें, इसमें गो लगाया टू नहीं लगाया, तो गो की थर्ड फॉर्म लगा तो दी, फिर गो भी क्यों लिख दिया, थर्ड लगा के फिर फर्स्ट फॉर्म लिख के रख दिया। मैं भी भूल जाऊंगी फिर, मैं भी कुटाई करूंगी तुम्हारी, हाँ तो ज्ञान आएगा इससे। कौन सा टेंस है बताओ पहले, कौन सा टेंस है, क्या गलती करती, क्या गलती करती, क्या गलती कर दी, स्पीक की स्पेलिंग भी गलत, क्या स्पीक की स्पेलिंग, क्या स्पीक की, फिर
इसको सिखाते नहीं हो कुछ भी? मुँह से गलत निकल गया। वेरी गुड। अब दिखाओ इधर को, नीचे को करो। शी स्पीक्स ऑलवेज ट्रुथ। चलो ठीक है, आगे पढ़ो। नेक्स्ट हो गया। मैं बार बार पानी पीती हूँ। आई ड्रिंक वाटर फ्रीक्वेंटली। मैंने सोचा ये ड्राइव तो नहीं लिखा, मैं देख रही थी ड्रिंक को कहीं ड्राइव लिख दिया उसने, इसका कुछ पता नहीं। अब मुझे टीआरबी में अंतर पता चल गया। हाँ तो क्लियर ध्यान रखो, कई बार डुबू भी उस चीज को गलत कर देता है। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो याद रहेगा तुम्हें। इधर को भी ओ क्या हो गया? अपना पेन खुद ही गड़ा लेंगे, उसने पेंसिल गड़ा ली अपने खुद ही, वो पेन गड़ा लेती है, क्या करते हैं पता नहीं। तो फिर पता चला ना कितना दर्द होता है जब पेंसिल गड़ती है। इसके तो कितना ज्यादा गड़ी थी, इसके गड़ी थी ना तुमसे, तुमने इसके गड़ा दी थी। तो देखो कितना दर्द होता है, पता चल गया ना आज तुम्हें, जब तुम्हारे आज गड़ी है। यहाँ पे झुके देख, यहाँ पे अभी निशान है। याद कुछ है नहीं, छूने छुआने करते रहो कि पहले झुके देखो मेरी उंगली। उससे बातें मत करो, उसको याद भी करना है। अगर मैं बोलूं कि जा चुका था तो कौन सा टेंस हो जाएगा? जा चुका था। चुका था, चुका होगा बोला मैंने। फ्यूचर पास्ट है, पास्ट सेम ही चीज है। हाँ भैया, हिंदुओं ओ पे बिंदी क्यों नहीं लगाई है? छुट्टी जब मेरी दिमाग की बैटरी खाली हो जाती है ना, तो शुरू से ही डाउन है, डंडा से चार्ज होता है। ज्ञान गुदरिया से चार्ज हो जाएगा तुम्हें। और क्या? ये आकर सब की वायर सिंगल बिल्डर। अभी मैम ना, मैम एंड बस उसके बाद हम तो परसों ना कंप्यूटर लैब पे जाएंगे। मैं बोल रही थी आज तुम्हें समझ नहीं आ गया ये चैप्टर, तुम्हें प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा। कंप्यूटर लैब में मैं हम सोचते हैं कि हमारी कंप्यूटर लैब ना बहुत बड़ी है, उसमें 5-6 कंप्यूटर रखूंगा, बहुत सारे। हमारे में 10-20 रखे हुए हैं, ऐसे ऐसे बेंचेस लगे हुए हैं, बहुत सारे कंप्यूटर रखे हुए हैं। हमारे चुप रहो बिल्कुल, उसको पढ़ने दो, डिस्टर्ब मत करो, चुप बैठो बिल्कुल, स्टोरी कर जाके सुनाना। 10-20 रखे हुए हैं उसके। हम सोचते हैं कि मैं वो भी करवाएगी, हम कंप्यूटर में कलर करवाएगी, पर होता ही नहीं। अरे कंप्यूटर के अंदर बोलो क्या बोल रहे हो तुम? बार बार बोले जा रही है मुझे, पूरे बोल जा रही है। इशारे जाने में बोल रही थे उसका, इशारे में कोई बोल सकता मैं उसकी ज्ञान को दरिया उठा रही है। क्या बोल रही है? डोंट थिंक ज्ञान को दरिया, ज्ञान को दरिया दूर से कह सकती है।
लाओ भाई तुम्हारा चेक कर देती हूँ। चार दिए अभी अभी बहुत प्यार करते भगवान राम एक साथ चिपका दिया। भगवान राम अलग अलग वर्ड माता पिता या फिर पेरेंट्स लिख दो। पेरेंट्स लिख दो ना माता पिता को ना और मम्मी पापा को पेरेंट्स। दीपावली पर सब घी के दिए जलाते हैं कि हैं? तो बिंदी कहाँ लगाई तुमने? पी ए आर ई एन टी एस पेरेंट्स माय पेरेंट्स बहुत प्यार करता है। क्या लिखा? इस दिन भगवान राम लक्ष्मण व सीता 14 वर्ष को भोग कर अयोध्या वापस लौटे थे। लौटे की स्पेलिंग गलत। 14 वर्ष को भोग कर 14 वर्ष का क्या भोग के वो गायब कर दिया वनवास तो खा गए तुम। दीपावली हमारे देश में बड़ी ऐसा लिख रहा है नहीं लिख रखा इतना छोटा लिखोगे क्या समझ आएगा? सही से लिखने बोला था मैंने। धूमधाम को लिखिए धूमधाम धूमधाम से बनाई मनाई नहीं बनाई जाती है ऊपर में रख के पकाते हैं बनाई जाती है कढ़ाई में बनाई जाती है। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है ना? नहीं ये तो क्या दिया है मेरे विद्यालय में कई कमल ये वाला ये तो सही हां कंटीन्यूअस नहीं फर्स्ट वाला पूछ रही हो तुम नहीं सेकंड वाला कुछ पास वो सिंपल है वो उसमें तो कंटीन्यूअस वगैरह कुछ है ही नहीं। देयर आर से शुरू करते हैं सिंपल देयर आर करके देयर आर इसे प्रकाश का पर्व भी कहते हैं कि हैं? दीपावली पर सब नए कपड़े पहनते हैं हैं क्यों लिखा हैं लिखना चाहिए ना है लिखा है। दीपावली पर सब पटाखे जलाते हैं फिर गलत है को फिर है कर दिया तुमने तो। इस दिन सब लक्ष्मी की स्पेलिंग गलत है लक्ष्मी जी की पूजा आदर आदर शुरू पूजा क्या लिखा है कंची है नहीं। इस दिन सब लक्ष्मी जी की पूजा करी है करी नहीं कंची लिखा था कंची नहीं करती ये ई की मात्रा पूरी टच किया करो। इस दिन सब घर की सफाई करते है कि है दीपावली की दीपावली भी कहते हैं दीपावली के दीपावली दीपावली को दिवाली भी कहते हैं। को तो तुम्हारा ई लगता है ई को भी ओ लिखते हो तुम ई को बिल्कुल टच करना चाहिए ना तो ऐसा तो हमें तो समझ नहीं आ रहा। पटाखे की देखो कितने गोले लग गए लेके आओ ज्ञान मुदड़िया तुम्हें ज्ञान देंगे आओ आओ जल्दी ज्ञान दिया जाएगा आओ इधर को फटाफट बोला था ना सही से याद करो ज्ञान एंटर करेंगे इससे डंडे से। अरे देने की जरूरत नहीं है ज्ञान है मेरे अंदर। ये दीपावली की स्पेलिंग ऊपर लिखी है कोहेडे में वहाँ से सही देख के हम लिख सकते हैं ना लेकिन हम नहीं लिखेंगे वहाँ से हम तो मन से चलेंगे कुछ भी लिखेंगे सारी स्पेलिंग लिखो मेक यूज कर लो मेक बिल्डर ऑन जन्माष्टमी कौन सी फॉर्म लगानी है बनने के लिए इसमें फॉर्म ही नहीं आई क्योंकि पास्ट का है पास्ट इंडेफिनिट है तो सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी। ओह मेक की सेकंड फॉर्म लगा लो दे आर कंस्ट्रक्टेड बाय अ सिंगल बिल्डर टू बिल्डर एंड आर टू स्मॉल वर्जन ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। चलो भाई पेंट हाउस पे चलो पेंट हाउस याद रहेगा छात्र मैदान में खेलते हैं स्टूडेंट्स प्ले यहाँ नहीं लिख सकते इतनी जगह इतना पेज वेस्ट कर दिया तुमने। फ्री का पेज आता है यहाँ पे लिखना चाहिए ना इतने इतने पेज वेस्ट करोगे तो कैसे चलेगा ये खाली जगह छोड़ दी इतनी सारी यहाँ लिखो खाली जगह नहीं छोड़ना ऐसे देखो ये खाली जगह यहाँ लिख लिया करो ये तो जो भी तुम्हारी गलतियाँ होती है ना वर्ड बॉडी तो लिखने ट्यूशन कॉपी तो स्कूल की कोई ना जो भी खाली स्पेस दिखे वहीं भर दो उसको पूरा। बुक ले लो और बुक से सही कर लो। मेरे विद्यालय में कहीं तो प्रेम आया स्कूल नहीं जब भी ऐसा दिया है इसमें तुम्हें सब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा मेरे विद्यालय में तो क्या देयर से बना दो टी एच ई आर ई देयर आर हमरों को भी चांट रही है जी बार बार निकाल के There are my school. There are
कई कमरे को क्या बोलेंगे? देयर आर सो मैनी रूम्स. मैनी लिख दो खाली तुम. देयर आर मैनी रूम्स मेरे स्कूल में की इंग्लिश पे. मैनी रूम्स इन माय स्कूल. हो गया. वहाँ तो बोलती नहीं मैडम से 100 रुपए का फाइन लगा के आए, शर्म नहीं आती? यहाँ बोलेंगे, वहाँ बोला नहीं जाता, वहाँ ऐसे चुपचाप बैठ जाता है. थोड़ी जोर से मुंह से आवाज निकाला करो ना कि मैडम भी डर जाए तुमसे कि भाई है इसके अंदर आवाज है. इसकी आवाज तो जब मैं हमें और सुनने की जरूरत नहीं है वरना तो हम मर जाएंगे. हैं क्या बोल रहे हो? देखो 14 अभी भी मतलब दो मात्रा लगी है. बहुत प्यार को बोलते हैं. अ लॉट ऑफ माय पेरेंट्स. अ लॉट ऑफ नहीं बाद में. माय पेरेंट्स पहले हेल्प. कौन सा टेंस है पूरा? माय पेर मेरे माता पिता. सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आ नहीं रही है. काम क्या कर रहे हैं वो तुम्हें? तो प्यार पहले आएगा ना सब्जेक्ट, फिर क्या आएगी मेन वर्ब? कौन सा टेंस है? लव मी. इतना सारा क्या बोलेंगे? लॉट ऑफ माय पेरेंट्स लव मी अ लॉट ऑफ. चेक. जन्माष्टमी पर मैं कृष्णा बना बनी जो भी है. ऑन जन्माष्टमी आई मे कृष्णा. आई मैंने छोटा ही बनाया. बनी ई ई कौन सा टेंस है? ई ए पास्ट. पास्ट का कौन सा है? अपने आज करो जल्दी भी करना. इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म आएगी मेन वर्ब की? सेकंड लगाई तुमने? लगाई तो है. मुझे मेक बोला तुमने. मेक तो फर्स्ट है. आई बड़ा बनाओगे छोटा? देखो आई तो कैपिटल ही बताया नहीं 10 बार. आई कहीं भी सिंगल आए कैपिटल ही बनाया जाता है. पहले मैंने कैपिटल बनाया था फिर मैंने कट किया. नहीं कहीं भी आएगा ना आई या किसी का नाम आ जाए तो वो हमेशा कैसा आता है? छात्र मैदान में खेलते हैं. स्टूडेंट्स प्ले इन द गार्डन. बगीचे में खेलते हैं विद्या. ग्राउंड में खेलते हो? कोई बात नहीं हम गार्डन में खेलेंगे. गार्डन में लेके जाएगी उन्हें. पूरे दिन घर जाते ही सही हो जाती है, चार्ज हो जाती है घर जाके, क्योंकि पता मुड़ा भरना पड़ता है ना तो डाउन ही रहती है बैटरी. कोई ना उनको मैं देखने के लिए गई थी कि गाय मिलेंगी मुझे. पहले पूरा पढ़ो. मैंने रास्ते में गाय एक कई गाय देखी. तो रास्ते में को क्या कहते हैं? ऑन द वे. ऑन द वे से स्टार्ट करो. रेड में पूरी लोगो पेंट है उसके ऊपर. इसमें तो क्या है पूरे जो ऊपर में टॉप से जैसे मिले रहते हैं ना पूरे उसके उसको क्या है पेंट हाउस.
फ्लैट मिरर आते हैं ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। हाँ भाई ये है का तो क्या नजर आएगा जब आप पूरा सेंटेंस लिखोगे ना, तो देखो पढ़ के दीपावली पर सब पटाखे जलाते हैं, सब बहुत सारे लोग हैं तो है आएगा। इस दिन सब लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, सब लोग कर रहे हैं तो है आएगा। इस दिन सब घर की सफाई करते हैं, सब कर रहे हैं तो है आएगा। दीपावली को दिवाली भी कहते हैं, ये तो है ही आएगा तब भी। अभी देखो दिवाली हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार है, एक है त्यौहार तो इसलिए है आया, बिंदी नहीं आई। दीपावली पर सब घी के दिए जलाते हैं, सब जला रहे हैं तो है आएगा, ठीक है। इस दिन भगवान राम, कोमा तो लगाते नहीं हो, क्यों नहीं लगाती कोमा। इस दिन भगवान राम, लक्ष्मण व सीता 14 वर्ष को का वनवास भोग कर अयोध्या वापस लौटे थे। लौटे आऊ, दो मात्रा चढ़ेगी, तुमने लोटे लिख दिया, लोटा लेके गए थे वो। मैंने रास्ते में कहीं गाय देखी। थक गए हम, हो गई ना अच्छे से तसल्ली आज। मैं क्या बकरी हूँ, मैं बिंदी आएगी, मैं बिंदी लगाएगी। ये मात्रा जैसे लगाते हो ना, देखो च के ऊपर ही लुढ़क गई इसकी एक मात्रा, च के ऊपर घिच गई बेचारी वो। अरे ढंग से लिखो, हाँ देखो हाँ मर गया वहीं पे जाके, चिपक गया हाँ ना, चिपक गया। लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कीड़ा मकोड़ा मार के रख दिया कोई, चीटी लेके आई है। ये चीटी लेके आई है हाँ को मार मरा हुआ इंसेक्ट लेके आई है। कह तो नहीं हूँ उसको, मात्रा को इधर आओ, आओ इधर को बच्चे, धूमधाम मुंह की मात्रा देखो जैसे इसकी मूंछ तैयार कर रहा है। ये मूंछे बन रही है तुम्हारी, नहीं आओ इधर, अभी घूंचे दिखाएंगे डंडे से, ज्ञान करिया तुम्हें ज्ञान देगी घूंचे। आओ इधर, आओ जल्दी फटाफट। ये देखो इसकी एक मात्रा कहाँ लग गई इसके ऊपर, तो हमें तो दिख नहीं रही। हाँ कैसे बनाया, चिपक गई छिपकली मर के वहाँ। अलग से लिखो, साफ साफ लिखो पूरे अक्षर, धूमधाम देखो बड़े की मात्रा आएगी, सही से लिखो। नीचे होती है मात्रा, उसके बगल में चिपका दी, जब मुझे बना दी उसकी। फिर भाई ये ओ की मात्रा ऐसे नहीं लगाते बाबूजी, एक डंडा कीजा ऊंची चढ़ाओ, ऐसे क्लियर होनी चाहिए ऊंची, उसके ऊपर क्यों लुड़का रहे हो चढ़ के ऊपर। पूरा पता चलेगा सेंटेंस क्या लिखना चाह रही हूँ, कई तरीके होते हैं एक ही बात को कहने में। बड़े की मात्रा बहुत बात करते हैं, वह की वे की वह, तो दे हाँ ठीक है, दे टू मच, दे टॉक अ लॉट ऑफ। ऑल पेंट हाउस पे पहुंच गए, सुनाओ। ऑल अपार्टमेंट ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, टॉप मोस्ट फ्लोर आर कंबाइंड टू फॉर्म वन बिग अपार्टमेंट व्हिच इज कॉल्ड पेंट हाउस। ऊपर के फ्लोर ही जुड़े होंगे एक दूसरे से, उसको कहा है पेंट हाउस। आओ भाई इधर को खड़े हो, देखो अपने बच्चे नक्शे, तूने बहुत कलर बर्बाद करे हैं मेरे देख। अरे पता क्या हुआ, आते ही पेंसिल गिर गई, अब वो लुका रेड लगा था पेंट वो कलर, मैं सोचा भाई खून रोने लग गया, मैंने देखा मैं कह रही खून है, मैं उसको साफ करने लगी, देखा तो कह रहा ये खून नहीं है ये तो कलर है, मैंने कहा मेरे को लगा इतना सारा खून निकल गया, खून तो निकला नहीं।